हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुकटुक मोटरसाइकिल। स्वागत है आप सभी का टुकटुक मोटरसाइकिल्स के एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास वही है दो हिमालयन 450, एक है पॉपी ब्लू, दूसरी कैमेट वाइट। दोनों के अंदर ही क्रैश गार्ड लगना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी के लिए। अभी जो इसके अंदर लगा हुआ है वो ओरिजिनल कंपनी का लेग गार्ड लगा हुआ है, जो कि बेसिक लेग गार्ड है। अगर आप यहाँ क्लोज आकर दिखाएंगे तो बिल्कुल ही सिंपल एक दो और तीन फिटिंग में टका हुआ, जो कि सिर्फ इतना से एरिया कवर करता है, जिसके अंदर राइडर की सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बार जब ये गिरेगा सीधा स्क्रैच हो जाएगा। अब जो हम इसके अंदर लगाने वाले हैं वो डुक डुक का क्रैश गार्ड लगाने वाले हैं, जिसके अंदर फोर स्लाइडर्स होते हैं, दो राइट साइड एंड दो लेफ्ट साइड, जिसकी वजह से बाई चांस अगर बाइक का क्रैश भी होता है तो बाइक कभी स्किड नहीं करेगी, राइडर्स की लेग सेफ रहेंगी, पूरा इंजन प्रोटेक्ट रहेगा, आपका रेडर प्रोटेक्ट रहेगा, पूरी बाइक का इंजन एक केज के अंदर सेट हो जाता है। तो चलिए इसकी इंस्टॉलेशन दिखाते हैं आपको। दोस्तों फाइनली हिमालयन 450 का काम कंप्लीट हो चुका है। दोनों ही बाइक्स के अंदर क्रैश गार्ड की इंस्टॉलेशन अच्छे तरीके से हो चुकी है और मैं आपको इसकी फिटिंग चेक करवाता हूँ। ये देखिए, पहला इसका फिटिंग पॉइंट ये रहा, दूसरा इसका फिटिंग पॉइंट यहाँ सेंटर में है, तीसरा इसका फिटिंग पॉइंट यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। तो तीनों ही फिटिंग के बाद ये इसके लुक निकल कर आती है। दो स्लाइडर के साथ आता है ये, एक साइड पर दो स्लाइडर है और ये वाली जो रॉड है ये हैवीएस्ट रॉड है जो मार्केट में अवेलेबल है। आपने बाकी क्रैश गार्ड देखे होंगे, सब में पतली रॉड लगी है, लेकिन हमारा जो क्रैश गार्ड है उसके अंदर सबसे मोटी रॉड लगी हुई है इसके अंदर, जो कि इसको बिल्कुल स्टेडी बनाती है। अब देखिए, मैं सब क्रैश गार्ड खिला रहा हूँ, पूरी बाइक हिल रही है, अकेला क्रैश गार्ड नहीं पूरी बाइक साथ में हिलती है, तो ये इसकी खास बात है। पहला साइड ये रहा, दूसरा साइड ये रहा और ये सेकेंड बाइक की फिटिंग है। तो ऐसी कुछ इसके लुक निकल कर आती है दोनों बाइक्स के अंदर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो हिमालयन 450 के ऊपर। इसके अंदर दोनों बाइक्स का हमने क्रैश गार्ड इंस्टॉल करे हैं और भी नई नई एक्सेसरीज हमारी एक वीक के अंदर सारी अवेलेबल हो जाएगी। प्योर स्टेनलेस स्टील और एलुमिनियम के अंदर सारा माल आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें ऑन द वे हैं। नई नई चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चौहों पासों पलेखे कर देंगे।